आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ पंजाबी राजमा बनाने की रेसिपी। हालांकि पंजाबी जो राजमा खाना पसंद करते हैं वो ये वाला राजमा होता है। इसका कलर थोड़ा हल्का गुलाबी होता है और इसका नाम होता है चित्रा। तो इस राजमा को चित्रा राजमा कहा जाता है। मेरे पास अभी दो तरह के राजमा अवेलेबल है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको बता दूं। हालांकि राजमा बहुत तरह के पाए जाते हैं, मेनली इंडिया में ये दो तरह के राजमा पाए जाते हैं। एक जो बहुत गाढ़े रंग के होते हैं, इस राजमा के मुकाबले इस राजमा को पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है और ये थोड़े हार्ड होते हैं। इसलिए पंजाबी जो राजमा खाना पसंद करते हैं वो ये वाला राजमा होता है। ये जल्दी पक कर तैयार हो जाते हैं और ये थोड़े सॉफ्ट भी अच्छे से होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही थोड़े से चित्रा राजमा को भिगो कर रखा था। चलिए मैं फटाफट से बताती हूँ इसे बनाने की रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में गर्म करेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ते, दालचीनी का एक टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची और 2 सूखी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च को हम थोड़ा सा तोड़ते हुए डालेंगे। जब गरम मसाले का फ्लेवर तेल में अच्छे से मिक्स हो जाए, भीनी भीनी से खुशबू आनी शुरू हो जाए, तो हम इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक टुकड़ों में कटे हुए प्याज। इसे हम प्याज के बिल्कुल सॉफ्ट और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। तो प्याज अब सॉफ्ट और गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैं यहाँ पे और डाल रही हूँ। इसे हम सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसी के साथ इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों में हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ताकि सभी मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। इन मसालों को हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। तो मसाले को हमने 1 मिनट के लिए भूना और अब ये तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी। 3 से 4 टमाटर को पीस कर मैंने इसकी प्यूरी तैयार कर ली थी। तो जब भी आप पंजाबी स्टाइल राजमा बना रहे हो तो इसमें टमाटर थोड़े ज़्यादा डालें, क्योंकि टमाटर की जो खटास होती है वो राजमा के फ्लेवर को और थोड़ा सा बढ़ा देती है। तो अभी हमने इसमें डाला है टमाटर और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके टमाटर में से तेल छूटने तक इसे हम भूनेंगे। तो अब टमाटर अच्छे से भून चुका है, लगभग हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूना और अब आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल भी रिड्यूस होने लगा है। अब जो राजमा हमने भिगो कर रखे थे उसे हम डालेंगे मसालों में और राजमा को सारे मसालों के साथ मिक्स करके हम अच्छे से वापस से 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। तो राजमा को यहाँ पे हमने 3 से 4 मिनट तक के लिए भुना। अब राजमा तैयार है। इसमें जो खड़े मसाले और तेज पत्ते हमने डाले थे उसे हम इसमें से निकाल लेंगे बाहर। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे हम राजमा के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम राजमा को डालेंगे कुकर में बॉईल होने के लिए। तो जो राजमा हमने भून कर रखा था उसे हम डालेंगे कुकर में। अब हम राजमा में डालेंगे गर्म पानी। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जो पहले से कुक्ड हो और उसमें आप पानी डाल रहे हो तो हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इससे कुकिंग रुकती नहीं है और ये काफ़ी अच्छे से पक पाते हैं। तो अभी हमने इसमें गर्म पानी डाल दिया है। पानी के साथ हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और अब हम इसे रखेंगे उबलते हुए पकने के लिए। पहली 1 सीटी हमें इसमें पूरी फुल आंच में देनी है और उसके बाद 6 से 7 सीटियां हम इसमें बिल्कुल लो फ्लेम में आने देंगे। तो राजमा को हमने पकाया और अब राजमा बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं राजमा काफी अच्छे से पक चुके हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसे फिनिशिंग टच देते हुए हम इसमें डालेंगे लंबे पतले टुकड़ों में कटे हुए हरी मिर्च। इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। और थोड़े से बारीक टुकड़ों में कटे हुए हरी धनिया।
तो लीजिए गर्मा गर्म राजमा तैयार है। चलिए हम इसे गर्मा गर्म चावल के साथ फटाफट से सर्व करते हैं।